जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे, जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा वास्तव में नफरत का मेगा मॉल चला रहे कांग्रेस नेता। उधर रोहित पवार का बड़ा ऐलान, बोले हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे और एसी में बैठकर शो का आनंद ले रहे भाजपा नेता। उधर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, आयकर विभाग से जुड़ा है मामला। उधर राहुल गांधी पर आक्रामक हुए बाबूलाल मरांडी, बोले कांग्रेस अपने पाप में जनता को भागीदार क्यों बनाना चाहती है। उधर मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी बोले, समान नागरिक संहिता सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि ईसाइयों का मुद्दा भी है। उधर पिछले साल के मुकाबले दोगुना महंगा हुआ टमाटर, एक महीने तक नहीं मिलेगी राहत। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहब्बत की दुकान नारे को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता वास्तव में नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद गोधरा में एक रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर परिवार केंद्रित दलों में बदलने और आमजन के कल्याण की चिंता नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को वैश्विक मंच पर जब भी सराहा जाता है तो कांग्रेस के लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का विरोध करने की कोशिश में कांग्रेस नेताओं ने हमारे देश का विरोध करना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ये कहने के लिए ब्रिटेन तक गए कि लोकतंत्र खतरे में है और उनकी दादी ने 1975 में देश में आपातकाल लागू किया था और 1.5 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया था, अब वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेताओं पर घटिया दर्जे की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए नीच बिच्छू सांप और चाय वाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आप परेशान हैं क्योंकि मोदी जी देश के 140 करोड़ नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। मुझे हैरानी होती है कि आप मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा कैसे कर सकते हैं जब आप मोदी जी के खिलाफ लगातार नफरत फैला रहे हैं। आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि आप वास्तव में मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं। और बड़ी खबर, शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे और एसी में बैठकर शो का आनंद ले रहे भाजपा नेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में बने रहने के लिए उनकी पार्टी एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया। रोहित पवार पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार के परपोते हैं। आपको बता दें कि पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि अन्य दलों के नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया है जबकि भाजपा घटनाक्रम का आनंद ले रही है। पिछले साल जून में शिवसेना के एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों ने बगावत कर दी थी जिसके कारण पार्टी में विभाजन हो गया था और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसके बाद भाजपा के समर्थन से शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए। इस साल 2 जुलाई को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में भी फूट पड़ गई जब पार्टी के नेता अजीत पवार शिंदे और भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हो गए। राकापा 8 अन्य विधायकों ने भी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। इस घटनाक्रम पर रोहित पवार ने दावा किया कि भाजपा ने बहुत अच्छी चाल चली है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाला साहेब ठाकरे ने मराठी मानुस और उनकी पहचान की रक्षा के लिए शिवसेना का गठन किया था लेकिन भाजपा ने इसे तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में भाजपा विरोधी माहौल है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी इस बारे में बात ना करे और सभी विपक्षी दलों के बड़े नेता अपनी पार्टियों के भीतर कलह को सुलझा में व्यस्त रहे, इसीलिए भाजपा ने पहले शिवसेना को तोड़ा और अब एनसीपी को तोड़ दिया। और बड़ी खबर, राहुल गांधी पर आक्रामक हो गए बाबूलाल मरांडी, बोले कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए एकजुट हो गया पूरा देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी से जुड़े मोदी सरने मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही झारखंड कांग्रेस भी लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस राहुल गांधी को और हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बना रही है। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि भ्रष्टाचार, अडानी को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, रोजगार, किसान और महिला सुरक्षा पर सवाल पूछने के एवज में केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को निशाना बनाया है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने इन्हीं आरोपों पर पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि राहुल गांधी की सजा के खिलाफ देशवासियों को आवाज उठानी चाहिए, मतलब कांग्रेस अपने
अपने पाप में देश की जनता को क्यों भागीदार बनाना चाहती है? पिछड़े और दलितों को अपमानित आप करें, उनके लिए निकृष्टतम शब्दों का उपयोग आप करें और चोरी पकड़ी जाए तो बहाने बनाएं। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों से उब चुकी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरा देश आज कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए एकजुट हो गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी जल्द ही ले सकती है बड़ा फैसला। बीजेपी की रणनीति फेल करने के लिए बनाया मास्टर प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में अध्यक्ष को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद परिस्थिति तेजी से बदली है। बाबूलाल मरांडी पूरी कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलना चाहती है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का नाम दिल्ली में तेजी से उछला है। ऐसे में सहाय को पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है। केंद्र नेतृत्व का मानना है कि किसी बड़े राजनीतिक कदकाठी के नेता को संगठन की जिम्मेदारी दी जाए जो बाबूलाल मरांडी पर भारी पड़े। आपको बता दें कि कांग्रेस केंद्र नेतृत्व नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जल्द ही फैसला लेगा। बता दें कि यूपीए की बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में तय है, इसके बाद बड़ा फैसला संभव है। अगली बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले महागठबंधन में मचने वाली है भगदड़। ललन सिंह उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव बन सकते हैं मुख्यमंत्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में महागठबंधन में भगदड़ मचने वाली है। राजनीतिक गलियारों में सुख बुगाहट का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जा सकता है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये खबर अगर सही साबित हुई तो जदयू का विलय जनता दल में हो जाएगा। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन में भगदड़ मचने वाली है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले समान नागरिक संहिता सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि ये ईसाइयों का मुद्दा भी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। इसी बीच अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना के प्रतिनिधिमंडल और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री केसीआर से समान नागरिक संहिता का विरोध करने का आग्रह किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से प्रस्तावित UCC पर चर्चा की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि ये न केवल मुस्लिमों का मुद्दा है बल्कि ये ईसाइयों का मुद्दा भी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि UCC देश की सुंदरता और संस्कृति को खत्म कर देगा। अगर UCC लागू किया जाता है तो देश का बहुलवाद समाप्त हो जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को बहुलवाद पसंद नहीं है, जो हमारे देश की खूबसूरती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर ने हमें आश्वासन दिया है कि वे यूसीसी का विरोध करेंगे। हम मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी से भी इसका विरोध करने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने कहा है कि अगर संसद में समान नागरिक विधेयक पेश किया जाता है तो उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। अगली बड़ी खबर, पिछले साल के मुकाबले दोगुना महंगा हुआ टमाटर, एक महीने तक नहीं मिलेगी राहत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बारिश के सीजन में सब्जियों का महंगा होना कोई नई बात नहीं है। हर साल बारिश के सीजन में सब्जियों की आवक कमजोर पड़ जाती है और सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल टमाटर के रेट लगभग दोगुने हो गए हैं। पिछले साल इसी सीजन में आजादपुर सब्जी मंडी में टमाटर 40 से 60 रुपए में बिक रहा था, जो खुले बाजारों में लोगों को 80 से 100 रुपए के बीच में मिल रहा था। लेकिन इस साल मंडी में ही टमाटर की कीमत 60 से 100 रुपए किलो पहुंच गई है, जिससे खुदरा में इसकी कीमत 120 से 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर के पूर्व चेयरमैन आदिल अहमद खान ने बताया कि टमाटर के रेट की इतनी ज्यादा बढ़ोतरी का कारण पेट्रोल डीजल कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी और फसल कम पैदा होना है। लगभग 15-20 दिन पहले यही टमाटर बाजार में 20 से 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, लेकिन बारिश के कारण फसल की बाजार में पहुंच कम हो गई, जिससे कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हो गई। बारिश ने खलल डालना बंद नहीं किया तो टमाटर सहित दूसरी सब्जियों की कीमत लगभग एक महीने तक ऊंची बनी रहेगी।
अगली बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता को लेकर हुआ बड़ा सर्वे। 42% मुस्लिम महिलाएं पैतृक संपत्ति में चाहती हैं बराबरी का हक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि माना जा रहा है कि आगामी समान नागरिक संहिता कानून में भारत सरकार महिलाओं और पुरुषों को पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार को लेकर समान हक देने पर विचार कर रही है। इस विषय पर News18 ने मुस्लिम महिलाओं से सवाल किया। 82.3% महिलाओं ने संपत्ति में केवल पुरुषों को हक दिए जाने का विरोध किया। उनका मानना है कि पैतृक संपत्ति में उन्हें भी बराबर का हक दिया जाना चाहिए। आमतौर पर भारत में सभी धर्मों में यह देखा गया है कि बेटी को पैतृक संपत्ति में हक नहीं दिया जाता है, उसे विवाह के बाद अपने पति की संपत्ति में हक मिलता है। इस सर्वे में कुल 8,035 मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया। News18 के 884 रिपोर्टर की मदद से यह सर्वे पूरा किया गया। सर्वे के दौरान सवाल पूछा गया था कि क्या सभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान उत्तराधिकार व विरासत में हक दिया जाना चाहिए। इस सवाल के जवाब को शिक्षित और अशिक्षित सभी महिलाओं से पूछा गया। ग्रेजुएट या फिर इससे अधिक पढ़ी लिखी महिलाओं में से 85.7% ने उन्हें हक दिए जाने की बात कही, जो कुल नतीजों में 3.4% अधिक है। अगर 18 से 44 साल की उम्र की मुस्लिम महिलाओं के विचारों की बात करें तो 83.5% ने समान अधिकार के तहत इस संभावित प्रावधान का समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव हिंसा पर TMC को मिला कांग्रेस पार्टी का साथ। कहा ममता बनर्जी दंगे भड़काने वालों के साथ नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर सोमवार को कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी जगह नहीं है और राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस हिंसा भड़काने वालों के साथ खड़ी नहीं है। पार्टी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने यह भी दावा किया कि अगर ये हिंसा भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य में होती तो भाजपा हिंसा करने वालों के साथ खड़ी नजर आती। गौरव बल्लभ ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वहां जिस पार्टी की सरकार है, क्या वो दोषियों के साथ खड़ी है या दोषियों के खिलाफ खड़ी है? अगर भाजपा के शासन में ऐसा हुआ होता तो वो दोषियों के साथ खड़ी होती। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने ये नहीं कहा कि वे दोषियों के साथ खड़े हैं, बल्कि वे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो उधर दूसरी ओर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र गृह मंत्रालय ने पंचायत चुनाव के दौरान केंद्र बलों को राज्य में आने में देरी करने का निर्देश दिया था ताकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को मतों की लूट करने में मदद मिल सके। आपको बता दें कि एक तरफ अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव बल्लभ ममता बनर्जी को समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है ये खुलकर सामने नहीं आ पा रहा। अगली बड़ी खबर, PM नरेंद्र मोदी को किया जाएगा सम्मानित, शरद पवार रहेंगे मुख्य अतिथि। शिंदे और अजीत पवार को भी मिला न्योता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त को पुणे में एक समारोह में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जहां पर NCP प्रमुख शरद पवार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। PM मोदी को उनके सर्वोच्च नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र शामिल है। आयोजकों ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। आयोजकों ने कहा कि शरद पवार को मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में आमंत्रित किया गया है, जबकि उनके भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी आमंत्रित लोगों में शामिल हैं। ट्रस्ट के प्रमुख दीपक तिलक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगा, जिसमें मुख्य अतिथि शरद पवार होंगे। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बिहार में जब भी RJD सरकार में आती है तो समाज में बढ़ जाते हैं असामाजिक तत्व। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर एक तरफ जहां BJP RJD JDU और कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव में लोगों से सही व्यक्ति को चुनने की अपील कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान सोमवार को प्रशांत किशोर ने कहा कि महागठबंधन बना था, तब से लोगों के मन में आशंका है कि कानून व्यवस्था बिहार में
बिगड़ेगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति महागठबंधन से पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा कारण यह है कि जो यहां का गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री के अधीन है। कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस शासन प्रशासन व्यवस्था पर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण लाभ में पड़े हुए हैं, कहीं भागकर इधर तो कहीं पलटकर उधर। जब आपका पूरा समय इस पर लगा हुआ है कि कौन सा राजनीतिक जोड़ बनाएं, किसको जोड़ें, किसको हटाएं, कैसे सरकार बचाएं और कैसे कुर्सी बचाएं, तो आपके पास समय कहां है कि आप कानून व्यवस्था को देखें। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए दूसरी वजह है कि शराबबंदी का कानून। सरकार द्वारा ये जो शराबबंदी का कानून लागू किया गया है, इससे सिर्फ शराब की दुकानें बंद हैं, लेकिन शराब घर घर बिक रही है। पूरे प्रशासन की प्राथमिकता शराबबंदी हो गई है। शराबबंदी लागू करो, शराबबंदी हटाओ, शराबबंदी से कमाओ, शराबबंदी को छुपाओ। जब पूरा प्रशासन शराब पर ही लगा रहेगा तो सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी ही। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आरजेडी जब भी किसी गठबंधन में रही तो लोगों का अनुभव और जो लोगों का मानना है कि ये जब सरकार में रहती है तो असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ जाता है। ये चीज हम बिहार में देख रहे हैं कि पिछले 4 से 5 महीनों से राज्य में स्थिति और ज्यादा बिगड़ी है। और बड़ी खबर, प्यार में पाकिस्तान छोड़कर भारत आई सीमा हैदर का बड़ा ऐलान। बोली, जान दे दूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन मीणा की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आने के जुर्म में पुलिस ने सीमा और उसे शरण देने के आरोप में प्रेमी सचिन मीणा को 4 जुलाई की सुबह गिरफ्तार किया था। हालांकि 7 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश के जेवर सिविल कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी थी। सीमा को साल 2019 में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार हो गया था। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि वो अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ गई। अब सीमा सचिन के साथ ही रबुपुरा में रह रही है। आपको बता दें कि सीमा ने कहा कि पाकिस्तान में भी यही कानून है कि एक लड़की 18 साल की होने के बाद अपनी जिंदगी का फैसला ले सकती है और मैं 27 साल की हूं और मैं अपनी जिंदगी के लिए खुद फैसले ले सकती हूं। मैं भी अपने पति हैदर को तलाक के लिए नोटिफिकेशन भेज सकती हूँ। सीमा हैदर ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। उसने कहा कि मैं गला काट लूंगी या जहर खा लूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। उसने कहा कि मेरे बच्चे भी यहाँ पर खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। उसने कहा कि मैं किसी भी सूरत में वापस जाना नहीं चाहती। अगली बड़ी खबर, भारी बारिश के चलते दिल्ली के सरकारी स्कूल 5वीं तक और एनसीडी के सभी स्कूल आज रहेंगे बंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश को देखते हुए 11 जुलाई को सभी एमसीडी स्कूल एमसीडी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूल छात्रों के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा भारी बारिश के अलर्ट के चलते दिल्ली के सरकारी स्कूल और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल भी आज नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक के लिए बंद रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की मेयर सैली ने एमसीडी स्कूल बंद करने की जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी कर दी लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त, हर महीने बढ़ाई जाएगी राशि। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को इंदौर के सुपर कॉरिडोर ग्राउंड पर आयोजित लाडली बहना योजना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के बीच पहुंचकर उन्हें योजना की दूसरी किस्त 1,000 रुपए की जारी कर दी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों के सामने ही साष्टांग प्रणाम किया। आपको बता दें कि उन्होंने महीने की 10 तारीख को महिलाओं के लिए शान और सम्मान दिन बताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं इस योजना में लाभ लेने से रह गई हैं, उन्हें आने वाली 25 जुलाई से योजना के फॉर्म देना शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि सूरत में 250 रुपए की राशि बढ़ाई जाएगी, यानी ये 250 रुपए की राशि हर बार बढ़ाई जाएगी और अंत में कुल 3,000 रुपए हर लाडली बहनों के खाते में मिलने लगेंगे। और बड़ी खबर, शरद पवार गुट को लगा बड़ा झटका, अब एक और विधायक अजीत पवार के गुट में हो गया शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शरद पवार गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी में फूट के बाद शरद पवार के कार्यक्रम में शामिल हुए एनसीपी विधायक मरकंद पाटिल अजीत पवार के खेमे में शामिल हो गए। महाराष्ट्र की वाई विधानसभा के विधायक मरकंद पाटिल अजीत पवार के गुट में शामिल हो गए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाटिल ने कहा कि वो उनके विधानसभा क्षेत्र में 2 चीनी फैक्ट्री आर्थिक संकट से जूझ रही है
और इसी को बचाने के लिए उन्होंने अजीत पवार का खेमा ज्वाइन किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।